the path to constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian constitution. इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेकर्स के पास था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये था, अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। जैसे कि साउथ अफ्रीका में था उनके जैसे नहीं, पर इन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो दिखेगा कैसा। मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इस तरह की जो चेतना है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। हमारा ये जो नेशनल मूवमेंट था ये खाली इसलिए नहीं था कि हम जो है फॉरेन रूल को हटाना चाहते हैं, इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रिजुविनेट अवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स। ये स्ट्रगल इसलिए भी था कि हम अपनी कंट्री को दोबारा से जिंदा कर पाए और अपनी सोसाइटीज और पॉलिटिक्स को बदल पाए। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. बहुत ज्यादा तीखे differences भी हो रहे थे opinions को लेके कि freedom struggle में जो है, जब freedom struggle चल रहा था उस समय जो है बहुत लोगों की अलग अलग opinion थी कि किस direction में India जाएगा independence के बाद, या कौन सा उसे path choose करना चाहिए। Such differences even exist today. आज भी वो differences हैं। Yet some basic ideas has come to be accepted by almost everyone. पर कुछ ऐसे basic ideas हैं जो हर एक के द्वारा मान्य हैं। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 other Congress leaders जो थे, उन्होंने draft किया constitution India के लिए। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में जो resolution हुआ कराची session का, उसमें Indian National Congress ने बताया कि independent India का constitution कैसा दिखेगा। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and the protecting the rights of the minorities in the constitution of independent India. दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये बात मानी गई थी कि इसमें जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी होगी, यानी कि हर एक को वोट डालने का अधिकार है, हर एक को फ्रीडम मिलेगा यानी उसकी हक है, ये राइट है उसकी, और इक्वालिटी होगी, साथ ही साथ उसकी जो माइनॉरिटीज लोग हैं उनकी भी जो राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट इंडिया का। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the constituent assembly met to deliberate on the constitution. उसके बाद कुछ जो है ऐसी बेसिक वैल्यूज भी थी जिनको कि सारे लीडर्स ने माना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, या क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आ रही थी उससे पहले ही कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज थी जिनको कि सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। द फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ये जो इंस्टीट्यूशन का डिजाइन हुआ इसमें काफी हद तक जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे कॉलोनियल रूल के, उनके साथ एक जैसे उनके जैसे फैमिली होने की वजह से भी काफी मदद मिली इन एग्रीमेंट्स को करने के लिए। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। जो ब्रिटिश रूल था तब वोटिंग राइट्स खाली कुछ लोगों के पास थी। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। उसी वजह से जो ब्रिटिश ने जो लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस किए वो काफी कमजोर थे। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over British India. तब जो है 1937 में elections हुए सारे provincial legislatures में और ministries में जो कि British India की थी। These were not fully democratic governments, पर ये पूरी तरह से democratic governments नहीं थी। But the experience gained by the Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions. पर ये जो experience रहा Indians का जो कि legislative institutions में काम करते थे, वो उनसे उनको बहुत ज़्यादा help मिली अपनी country के लिए और नए institutions बनाने में and working in them, साथ ही साथ उसमें काम करने के लिए। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like the Government of India Act 1935. इसी वजह से जो Indian Constitution था उसने बहुत सारे institutional details और procedures जो है colonial laws के भी follow किए, जैसा कि Government of India Act है 1935।